हे एवरीवन, कैसे आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये हो रहा है शाम का नाश्ता, और ये बहुत ही इजी सी रेसिपी है, चाय के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, और घर का बना हुआ है तो और भी अच्छा है। तो ये तो बाज़ार में मिलता ही है, ये चिवड़ा है, एकदम चिवड़ा भुना हुआ, और चाय के साथ ऐसे खाने में नमकीन सिर्फ ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही बादाम, और आगे आप देखिए मैं कैसे बना रही हूँ इसको। और जिन फ्रेंड ने भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा रखा है उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है वो कर लीजिएगा प्लीज़। और कोई फ्रेंड पूछ रहे थे कौन सा डिवाइस है पिछले वाला वीडियो में, पापा वाला में, तो वही वो रेडमी का हेडसेट था, तो वही पापा को सिंपल सा फ़ोन है अभी, उसमें पापा बोल रहे थे पहले मैं बेसिक सीख लूँगा उसके बाद ही कुछ ज़्यादा हाई फाई देखेंगे, तो उसके लिए बस बेसिक सा फ़ोन है वो। और ये चिवड़ा वाला रेसिपी बहुत ही सिंपल है, बस इसको वही बादाम भून के उसी तेल में, बहुत हल्के से तेल में, बस लो फ्लेम में धीरे धीरे बस इसको भूनना है, बट वही टाइम की बात है, आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। और जब ये भून जाएगा उसके बाद ही बहुत ही हल्का सा नमक डालना है, क्योंकि ये नमक बर्दाश्त नहीं करता ये, इसलिए बहुत थोड़े से नमक में ये खारा हो जाएगा, इसलिए बहुत थोड़ा सा नमक डाल के आराम से उसको सब मिक्स कर देना, और बहुत ही टेस्टी लगता है, और मुझे वो टेस्ट लगता है कुरमुरा कुरमुरा लगता है, अगर मैं सब कोई खाते हैं तो बस एक बार बनाने में हफ्ते भर का काम ख़त्म, स्टोर करके रख लेना है बस। और मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ पापड़, क्योंकि चिवड़ा में पापड़ ये भी उसके टेस्ट को बढ़ाता है, जिनको पापड़ का टेस्ट अच्छा लगता है वो ऐड कर सकते हैं, जो नहीं अच्छा लगता है वो नहीं ऐड कर सकते, वो ऐसे भी टेस्टी लगता है, लेकिन उसको अच्छा लगता है पापड़ का टेस्ट, इससे और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है, और ये भी ख़राब होने वाली चीज़ नहीं, ये भी आराम से रह जाता है उसके साथ। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर बनाइए, और बनाने के बाद भी कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। रुई मत करो, मत करो, मत करो। तो रूही पढ़ रही थी, उसका हो गया लगभग पढ़ाई, और 8 बज गए। बेड़े चूड़ो देखो, मत करो। हो गया, हो गया, हो गया। तो ठंड बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा ठंड दे रही है, और आज तो थोड़ा बारिश भी हो गया है, तो और ज्यादा ठंड लग रही है, तो बस यही रूही बेड में बैठ के पढ़ाई कर रही थी थोड़ा बहुत जितना की हो गया इसका, 8 बज गया, तो अब इसको छुट्टी टाइम हो गया, ये भाग रही है। और बहुत एक बैड न्यूज है मेरे लिए, ये बेचारा क्या हुआ इसको, तो वही बुरी खबर है ये, नहीं मैं रो नहीं रही लेकिन रोना आ रहा है,
कैमरा फोकस हो जाए इस पर, हो जाए हो जाए हो जाए, नहीं हो रही क्या? अच्छा तो ये मेरा ईयरफोन है, ईयर प्लग है, ईयरफोन, लेकिन ये टूट गया। ये वीवो का है, तो ये वीवो का है, वीवो मेरा पुराना वाला फोन था उसी का है, तो ये चल रहा था। और अभी तो आजकल के फोन में मिल नहीं रहे ये, तो जो मैंने नया वाला लिया था उसके साथ भी नहीं मिला था, तो इसलिए पुराना वाला चल रहा था अच्छे से। लेकिन ये एक इस पे पहले हमने क्या लगाया था, धागा बांधा, फिर इसमें हमने लगाया टेप, टेप लगाया उसको, फिर आग से ठीक किया, तो हालत नाजुक थी इसकी, ज्यादा दिन ये चल नहीं पाया, तो भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। तो हेडफोन का मेरी स्लिक बेसिक वही है, इसकी उम्र हो गई थी ये चल बसा, तो अभी तो मेरे पास कोई हेडफोन है नहीं, तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। एक पुराना वाला है, ये सैमसंग का है, लेकिन मेरे पूरे घर में किसी के पास सैमसंग का भी फोन है नहीं, तो ये पता नहीं कौन से फोन का है, पुराना है, तो मैंने इसको खोज के निकाला। इसमें भी डिफेक्ट है, एक में आता है आवाज, एक में कभी कभी आता है, एक में कभी नहीं आता है, तो जितने दिन चलता है चलाएंगे इसको, ठीक है? तो फिर मिलते हैं आपसे। अरे वो कॉमिक का फोन है। और कॉमिक नहीं क्या? तो हमारा चूड़ा ठंडा हो गया है जो हमने भून के रखा था, तो बस इसे हमें इसे एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफर कर लेना है। और ये बहुत टेस्टी है, अभी तो पूरा एक सप्ताह, पूरा एक वीक ये आराम से चलने वाला है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये खराब भी नहीं होता, इसमें हल्दी डालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उससे थोड़ा अगर कुछ ज्यादा दिन रह जाए तो बदबू आ सकती है, लेकिन इसमें और भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इसको हम बस ऐसे ही स्टोर कर लेंगे, इसको में डालते हैं फटाफट। और शाम के खाने के लिए बन रहे हमारे घर में पकौड़ी, तो कुछ आलू है, कुछ प्याज है, दोनों टाइप के बन गए। रूही प्याज नहीं खा पाती है, वो निकाल देती है, तो उसके लिए आलू, तो आलू जब बन नहीं रहे तो थोड़े ज्यादा बन रहे हैं, क्योंकि अगर खा रही है तो सब थोड़े थोड़े लेंगे, तो आलू प्याज के पकौड़े बनाते हैं फटाफट, उसके बाद कर देंगे हम डिनर। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो बस अभी के लिए बाय बाय।